वेलकम टू राजमाता विद्या विहार ऑनलाइन क्लास। होप यू आर सेफ एंड फाइन। टुडे वी कंटिन्यू द चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ओके, आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज मेड अप ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर इनपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। ओके, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उसके डिवाइसेस किसके लिए यूज होते थे? इनपुट प्रोसेसिंग, स्टोर करने के लिए और आउटपुट के लिए। कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम टू जनरेट इन्फॉर्मेशन। ओके, कंप्यूटर क्या करता है? तो जो इनपुट में आपने जो डेटा डाला है उसके ऊपर प्रोसेस करता है प्रोग्राम की हेल्प से और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या है, वो किस तरह से करता है। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ओके, कंप्यूटर ये जो वर्ड है तो वो कंप्यूट के वर्ड्स के ऊपर से हमारा वर्ड बना है कंप्यूटर। कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। इनिशियली कंप्यूटर वेर यूज ओनली टू परफॉर्म बिग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ओके, पहले क्या था कि कंप्यूटर को हम किसके लिए यूज़ करते थे? तो जो बड़े बड़े सम्स और कॉम्प्लेक्स टाइप के जो सम्स रहते थे उसके कैलकुलेशन के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते थे। बट टुडे अ कंप्यूटर इज यूज टू रीड, राइट, ड्रॉ एंड परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस। बट आज क्या होता है कि कंप्यूटर को हम रीड, राइट, ड्रॉ एंड अदर जो फंक्शंस है उसमें हम कंप्यूटर यूज़ करने, जैसे कि लिसन टू म्यूजिक, ड्रॉइंग का बोला है, फिर मूवीज़ कार्ट भी होती है, कार्टून फिल्म्स एंड मूवीज, वो सारी चीज़ भी हम उसमें कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम वी कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। ओके, कंप्यूटर की हेल्प से हम जो हमारे कैलकुलेशन है, जो डिजी कॉम्प्लेक्स हमारे सम्स है, उसको हम वेरी क्विकली मतलब स्पीड में भी करते हैं और एक्यूरेटली मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक होता है हमारा। अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर में हम बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं और रिकॉल मतलब हम वापस जब चाहे उसको ओपन करके देख भी सकते हैं। नाउ नंबर 1, स्पीड। उसके फीचर्स क्या क्या है? तो नंबर 1, स्पीड। अ कंप्यूटर हैज़ अ फैंटास्टिक स्पीड ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क। कोई भी टास्क दिया हो कंप्यूटर को तो वो बहुत उसकी काम करने की स्पीड बहुत ही फैंटास्टिक है, मतलब बहुत अच्छी है। इट कैन परफॉर्म इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। इट कैन परफॉर्म जो बड़े बड़े सम्स हैं हमारे वो एक्यूरेटली मतलब वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली करता है, मतलब बहुत ही स्पीड में करता है और विदाउट एनी मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 125/7, यू विल नीड अ फ्यू मिनट टू गिव द आंसर। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया कि सपोज कि हम मल्टीप्लीकेशन करते 125 को 7 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो वो काम करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है एंड द आंसर कुड बी इवन बी रॉन्ग, और हमारा आंसर मे बी रॉन्ग भी पड़ सकता है। बट कंप्यूटर विल गिव टू द करेक्ट आंसर इन अ फ्यू सेकंड। और वही चीज़ कंप्यूटर वही सम एक ही सेकंड में करता है और आंसर भी उसका राइट होता है। टायरलेसनेस मीन्स के वो थकता नहीं है। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है और ना ही वो बोर होता है। इट कैन डू द सेम वर्क रिपीटेडली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो एक ही चीज़ बार बार करता रहता है बहुत टाइम से तो भी वो कभी भी बोर होता नहीं है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। वही चीज़ वो कंटिन्यूस वही वर्क बिना थके हुए वो करता रहता है। जैसे कि हमने कोई पोएम लर्न करने दी है या मैम ने टेबल्स दिया है तो वही चीज़ आपको बार बार लिखनी है, लर्न करना है तो आपको कंटाला आता है वही चीज़। मगर मैम ने बोला है कि टेबल 3 times लिख के लाना है तो फर्स्ट टाइम होगा तो आप अच्छे से लिखोगे, फिर वही चीज़ सेम टू सेम लिखनी होती है तो आपको थकान आ जाती है, बोर लगता है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। पर वही चीज़ कंप्यूटर बार बार करता है, एक ही चीज़ बार बार करता रहता है तो कभी भी थकता नहीं है और ना ही वो बोर होता है। नाउ नंबर 3, एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। ओके, कंप्यूटर एक ही चीज़ बार बार करता है पर विदाउट एनी मिस्टेक। अ कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक्स ओनली व्हेन रॉन्ग डेटा और इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू इट। कंप्यूटर गलत कब करता है, मतलब मिस्टेक्स कब होती है? जबकि हमने कोई इनपुट में डेटा या इंस्ट्रक्शन उसको गलत दी हो तभी कंप्यूटर में आंसर हमारा मे बी रॉन्ग होता है। Thus, we can say that
एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी मतलब काम करने की जो उसकी क्षमता है विदाउट एनी मिस्टेक काम करने का है जो वो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। रिपीटेटिवनेस, व्हेन यू डू द सेम वर्क रिपीटेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम यू नॉट ओनली गेट बोर्ड एंड द टायर्ड बट ऑल्सो योर स्पीड ऑफ डूइंग द वर्क रिड्यूस ग्रेजुअली। ओके, क्या करते हैं तो हमने पहले ही बोला कि जब हम वही काम कंप्यूटर वही एक ही काम बार बार करता है बहुत लॉन्ग टाइम से करता है तो कभी वो बोर नहीं होता है और ना ही थकता है, और ऑल्सो योर स्पीड ऑफ डूइंग द वर्क और ना ही उसको काम करने की जो क्षमता होती है स्पीड होती है वो भी रिड्यूस नहीं होती। मतलब एक ही टाइम एक ही चीज़ वो बार बार करता रहता है तो भी उसकी स्पीड सेम टू सेम रहती है, ना वो बोर होता है और ना ही वो थकता है। बट अ कंप्यूटर कैन कंटिन्यूसली डू रिपीटेड वर्क विथ द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। वही चीज़ कंप्यूटर बार बार वही काम वो अच्छे स्पीड से करता है, मतलब वही सेम टू सेम स्पीड से करता है और विदाउट एनी मिस्टेक्स। नंबर 5, स्टोरेज। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कुड बी टेक्स्ट और इवन पिक्चर्स। वो इंफॉर्मेशन में भी टैक्स हो सकती है मतलब के मैसेजेस टाइप हो सकती है या पिक्चर्स भी हो सकता है। इट कैन स्टोर थाउजेंड ऑफ पेजेस ऑफ डेटा और उसमें हम 1000 से भी ज़्यादा पेजेस के डेटा भी उसमें स्टोर कर सकते हैं। यू कैन रिट्राइव दिस डेटा वेन एवर यू नीड इट। हम वही चीज़ जो हमने स्टोर किया है वो डेटा आप जब चाहो तब वापस से हम ले सकते हैं, मीन्स के ओपन करके उसको देख भी सकते हैं। वर्सेटिलिटी, एज यू ऑलरेडी नो अ कंप्यूटर इज यूज इन स्कूल्स, ऑफिसिस, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स एंड इन मैनी अदर फील्ड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर अब हर एक जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि स्कूल, ऑफिसिस, बैंक, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स एंड अदर फील्ड्स। इन दिस एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स आर यूज टू शेयर और एक्सेस इंफॉर्मेशन। जैसे कि वो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है तो कंप्यूटर आर यूज, कंप्यूटर किस में यूज़ होता है तो डेटा शेयर करने के लिए और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस सिटीज और कंट्रीज आर कनेक्टेड विथ वन अनदर टू फ्रॉम अ नेटवर्क। ओके, तो ये कंट्री और सिटीज़ के बीच में कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। दिस वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज द इंटरनेट। ये जो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है उसे हम इंटरनेट के नाम से पहचानते हैं। ईमेल, ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। ये जो ईमेल है वो इंटरनेट का बड़ा एडवांटेजेस है। इट इज यूज टू सेंड मैसेजेस और इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर यूजर अक्रॉस सिटीज और कंट्रीज इन अ फ्यू सेकंड। अगर आपके रिलेटिव्स कोई अदर सिटीज में या कंट्रीज में रहते हैं तो आप उसको जो मैसेज या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो एक ही सेकंड में आप अपना मैसेज और इंफॉर्मेशन उसको ईमेल के थ्रू एक ही सेकंड में शेयर कर सकते हो। नाउ एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या है? तो ग्रेट एफिशिएंसी, कंप्यूटर्स हेल्प पीपल टू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल इन ऑफिसेस कंप्यूटर आर यूज्ड टू मेंटेन अकाउंट्स, कीप रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, ऑल द वर्क इज डन एक्यूरेटली इन अ शॉर्ट टाइम। ओके, कंप्यूटर क्या करता है कि हेल्प करता है पीपल को अपने काम में। ओके, फॉर एग्जांपल कि ऑफिस में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमारा अकाउंट मेंटेन रहता है, रिकॉर्ड रख सकते हैं हम उसमें, और हमारा वर्क एक्यूरेटली होता है विदाउट एनी मिस्टेक, वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड में। बेटर सर्विसेज, विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स हैज़ बिकम ईजियर। ओके, कंप्यूटर की हेल्प मतलब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे टिकट बुकिंग के लिए वो ईजी हो जाता है हमारा। ओके, इन बैंक्स कंप्यूटर आर यूज टू कीप अकाउंट्स ऑफ डिपॉजिटर एंड प्रोवाइड देम क्विक सर्विसेज। ओके, कंप्यूटर क्या है तो इन बैंक में कंप्यूटर क्या होता है तो डिपॉजिट मतलब आपके पैसे का जो आपका अकाउंट है वो मतलब आप उसमें पैसे भी डाल सकते हो एंड प्रोवाइड देम विथ सर्विसेज और बाकी जो अदर सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड होती है। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस हैव रिड्यूस द वर्क लोड एंड ऑल्सो गिवन बेटर सर्विसेज टू पीपल।
ओके तो ये कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ऑफिसिस में, होटल्स में, हॉस्पिटल में और अदर वर्क अदर प्लेसेस में जहाँ पे भी हो उसका वर्कलोड कम होता है और वो आपको लोगों को अच्छी सर्विसेज देता है। जैसे कि आप सब लोगों ने अभी नोवा डिस में देखते हैं कि होटल में होता है तो आपको इजीली आप घर बैठे इंटरनेट के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हो। ऑफिस है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी अपने पेशेंट का वो वहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं तो आपको पता लग जाती है, वो इस तरह से कंप्यूटर उसमें यूज़ होता है। नाउ एजुकेशन, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू टीच ऑल सब्जेक्ट्स। कंप्यूटर कहाँ, तो स्कूल में, कॉलेज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है वहाँ पे सब्जेक्ट सिखाने के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स इज़ नॉट ओनली इजी एंड क्विक बट ग्रेट फन टू। ओके, कंप्यूटर की हेल्प से आप जो पढ़ाई करते हैं वो ईजी तो हो जाती है, क्विक मतलब स्पीड में भी होती है, बट ग्रेट फन टू मतलब आपको मज़ा भी आती है उसमें। नंबर फोर, एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज और कार्टून्स एंड इवन प्ले गेम्स। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू कंपोज म्यूजिक। कंप्यूटर क्या है, तो म्यूजिक सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए, कार्टून फिल्म्स और गेम खेलने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, मतलब उसमें हमें मजा आती है, तो एंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा वन टाइप ऑफ। कंप्यूटर की हेल्प से हम म्यूजिक भी कंपोज कर सकते हैं, मतलब म्यूजिक जिसको भी गिटार है कि पियानो बजाना आता है तो कंप्यूटर की हेल्प से वो अपना म्यूजिक सिस्टम कंप्यूट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, प्रणाम।